हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में जो कि है गुडलॉक ऐप के बारे में, जो कि नोट 9 के लिए बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसका इंटरफेस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये वर्ज़न है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लेटेस्ट वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है। और ये सारी सब एप्लीकेशंस हैं जो इसके साथ इनबिल्ट आती हैं, जिनको आप यूज़ करके पूरे का पूरे डिवाइस आप जो है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट लॉक स्टार आप देख सकते हैं, ये मैं इंस्टॉल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके यूज़ के बारे में और इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। जब तक ये डाउनलोड होता है दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। चलिए दोस्तों, ये आप ऊपर ऑप्शन देख रहे होंगे रेड कलर के, जो अनप्लग्ड करके ऑप्शन आ रहा है, और ये जो ग्रीन कलर का टिक सिंबल है ये शो करता है कि ये इंस्टॉल हो चुका है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो रेड कलर का ऑप्शन आप देखेंगे दोस्तों, जस्ट इस एप्लीकेशन को मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो इस पर भी ग्रीन कलर का सिंबल आ जाएगा। ये जो है मैंने अपने अकॉर्डिंग, मतलब मेरे यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने इंस्टॉल की है, टास्क मैनेजर, क्लॉक फेज और लॉक स्टार है, ये मैंने इंस्टॉल कर रखी हैं। और आप चाहें तो जितने भी सारे ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये 7-8 ऑप्शन हैं, आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, मैंने इसको रिस्टार्ट किया और ये लॉक स्टार एप्लीकेशन एक्टिवेट हो चुकी है। अब इसको ओपन करेंगे और इसको परमिशन देंगे हम लोग। ये सारी आप देख सकते हैं, ये आपको वॉलपेपर्स इसके साथ मिल रहे हैं और जो भी लॉक स्क्रीन पे क्लॉक आएगी वो भी आप देख सकते हैं किस स्टाइल की होगी, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, उसका उसका साइज़, उसका पोजीशन, सारा कुछ आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, और जो लॉक स्क्रीन पे शॉर्टकट्स आते हैं आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये म्यूज़िक का शॉर्टकट है, म्यूज़िक एप्लीकेशन का, इसको भी मैंने एक्टिवेट कर लिया है। अब इसको अप्लाई करेंगे और ये अप्लाई हो चुका है। अब मैं आपको, और ये आप शॉर्टकट्स वगैरह हैं तो सैमसंग डिफ़ॉल्ट, बेसिकली मैं सैमसंग डिफ़ॉल्ट या टच कुछ भी आप रख सकते हैं। और जो क्लॉक है, मतलब जो लॉक स्क्रीन पे आपके पहले क्लॉक आ रही थी, सेम वही की वही इस वाले में भी आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, वॉलपेपर चेंज हो चुका है। ये एक बेसिक सा मैंने एक लॉक स्टार का जो वजन है उसको एक्टिवेट किया है, आप देख सकते हैं जैसा ऑलरेडी पहले भी आ रहा था, बस वॉलपेपर चेंज हुआ है। अब क्विक स्टार के बारे में मैं बताऊंगा आपको, इसको मैंने इंस्टॉल नहीं किया दोस्तों, बस ये है कि आपकी जो नोटिफिकेशन पैनल है उसको आप एडिट कर सकते हैं इससे, और कुछ ऐड करना है ऐड भी कर सकते हैं, शॉर्टकट डिलीट भी कर सकते हैं, वो सब है। ये छोटा सा एक एप्लीकेशन है, तो बेसिकली जो मेन है वो है टास्क चेंजर। जो रिसेंट एप्लीकेशन है वो आपने नोट 9 में देखी होंगी, एक बेसिक सी सिंपल सी आती हैं। और अब देखिए ये कैसा हो चुका है, ये जस्ट एंड्रॉइड पाई में जैसा आपको देखने को मिलता है रिसेंट पैनल, सेम ये वैसा ही है। तो आप इसको यूज़ करके एंड्रॉइड पाई जो अभी नियर फ्यूचर में आने वाला है, जो जनवरी में आ जाएगा पाई का अपडेट नोट 9 के लिए, उसमें भी ऐसे ही रिसेंट पैनल मिलेगा। और 2-3 मैं एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाता हूँ उसमें भी क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा।
हेल्थ एप्लीकेशन मैंने ऑन कर लिया है, द हिंदू ऑन कर लिया है, ये देखिए, ये देखिए स्मूथ है, स्क्रॉलिंग बहुत स्मूथ है। ऐसा नहीं कि आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसा यूज़ करते हैं उसमें स्टटर आता है, थोड़ा लैग होता है, वैसा नहीं है। ये एप्लीकेशन डेडिकेटली बनाई गई है सैमसंग फ़ोन के लिए और नोट 9 के लिए, तो एकदम परफेक्टली काम करती है ये। देखिए और इसको आपको बस होल्ड करना है और ऊपर की तरफ आप पुश करेंगे तो क्लोज हो जाएगी एप्लीकेशन। और इसका आप मिनी मोड जैसे एक्टिवेट करेंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा और ब्लर इफेक्ट मींस जैसे ही रिसेंट पैनल ओपन होगा, जो भी वॉलपेपर या जो कुछ भी खुला होगा आपकी स्क्रीन पे वो ब्लर हो जाएगा। ये देखिए बैकग्राउंड में ब्लर आप देख सकते हैं। और ये मिनी मोड मैंने किया है, अब देखिए साइज छोटा हो चुका है इसका। अब दो तीन एप्लीकेशन ओपन करके मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखाई देता है छोटे साइज में। ये देखिए दोस्तों, और जो एनिमेशन है जो कि आप जब रिसेंट एप्लीकेशन है उसे स्क्रॉल करते हैं तो कैसा एनिमेशन आपको चाहिए वो भी आप एडिट कर सकते हैं। क्यूब आउट है, लीनियर है, स्केल है, ये सब तीन चार चीज़ें दी हुई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इन सब सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं, लीनियर, स्केल, रोटेशन, अप डाउन, सारी चीज़ें हैं। ये बेसिक जो सैमसंग के साथ आता है वो है स्केल पे, वैसे ही है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्लॉक फेस। ये देखिए मैंने मॉडिफाई करके एक साइकिल की तरह जो आप देख सकते हैं वो मैं यूज़ करता हूँ क्लॉक फेस। इसमें आप क्लॉक स्टाइल और कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये लास्ट में ऑप्शन मिलेगा जिसमें जितने भी क्लॉक फेसेस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये इस एप्लीकेशन के साथ आते हैं, वो आप देखिए स्क्रीन पे टन्स ऑफ क्लॉक फेसेस हैं जिनमें से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हैं। अभी लॉक स्टार एप्लीकेशन चल रहा है इसलिए शो नहीं करेगा दोस्तों, और मैं लॉक स्टार को डिसेबल कर देता हूं तो जो भी आप क्लॉक फेस यूज करेंगे वो स्क्रीन पे शो करेगा। देखिए दोस्तों अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने उसको डिसेबल कर दिया है और अब मैं ये चूज़ करता हूँ। ये आपको मैं दिखाता हूँ कैसा दिखता है लॉक स्क्रीन पे। अब इसको डन कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों चेंज हो चुका है, बस आपको जो लॉक स्टार है उसको पहले डिसेबल करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल को कम्प्लीटली अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं उसका लुक। और ये देखिए दोस्तों कलर भी चेंज कर लिया मैंने, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और मतलब आप जैसे ही एप्लीकेशन इसमें मिलती है, ये किसी थर्ड पार्टी प्रॉपर इसके लिए कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं बनी है कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज़ कीजिए और ये सारे फीचर आपको एक साथ मिल जाए उसमें। गुडलॉक एप्लीकेशन है दोस्तों जो कि सारी जो सब एप्लीकेशन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और एक फ़ोन में होनी ही चाहिए मॉडिफिकेशन के लिए, वो सारी एक जगह मिल जाती हैं। अब ये देखिए नेविगेशन बार का मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो एप्लीकेशन को ओपन किया है मैंने
और ये अलाइनमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, ऐड बटन। आपको जैसे मैं एक आपको बटन ऐड करके दिखाता हूँ, इसमें स्क्रीन ऑफ का मैं आपको अभी सिलेक्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ नेविगेशन बार में, वो भी ऐड हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आप टॉप पे देख सकते हैं बटन ऐड हो चुका है सबसे लेफ्ट में। चलिए इसको फिर से रीसेट कर देते हैं। और आप इनके जो सिंबल्स हैं, जो नेविगेशन बार में जो आपको रिसेंट मेनू और बैक का जो सिंबल मिलता है, आप उसको भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और नेविगेशन बार का कलर जो कि आप पहले भी चेंज कर सकते थे इस एप्लीकेशन के पहले भी, ये देखिए दोस्तों मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर लिया है। और ये मिनी की जगह इसको नॉर्मल कर लेते हैं। और ये तीन चार चीज़ें और हैं जो कि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखी है, और मेरे प्रीवियस नोट नाइन के वीडियोस में जो कि मैंने इसके नोट नाइन की कम्प्लीटली जो भी नए फीचर्स थे उसके बारे में बताया था, उनमें इन सारी एप्लीकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप नोट नाइन की जो प्लेलिस्ट है मेरी उसमें जाके देख सकते हैं। और ये है एज टच, मीन्स जो टच जो एज में जो टच का ऑप्शन आता है, आप उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, आपको कितनी सेंसिटिविटी चाहिए उसकी आप वो भी चेंज कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट है वन हैंड ऑपरेशन, जो पहले भी आता था डायगनली, जैसे हम उसको पुल करके दूसरे डायगनल से मैच कराते थे तो स्क्रीन का साइज़ छोटा हो जाता था, जो सैमसंग के फ़ोन में आता ही था पहले, ये उसके लिए है। और ये है साउंड असिस्ट, जिसमें आप मतलब डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। मेरे को उतना यूज़फुल नहीं लगा दोस्तों, इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया है। आप चाहें तो इंस्टॉल कीजिए और इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थी सारी चीज़ें दोस्तों। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इस एप्लीकेशन को ज़रूर यूज़ कीजिए, थोड़ा सा आपको एंड्रॉयड पाई का टेस्ट इसमें इजीली मिल जाएगा। और कम्प्लीटली तो जनवरी 2019 में हमें मिलने ही वाली। चलिए अब रिसेंट पैनल का साइज़ मिनी टू नॉर्मल मोड पे कर लेते हैं, जो कि इस लंबे स्क्रीन पे अच्छा लगता है। तो स्मूथनेस है दोस्तों, जो इसका एनिमेशन है वो बहुत ही अच्छा लगता है इस बड़ी स्क्रीन पे। और कलर भी काफ़ी वाइब्रेंट है तो बहुत सही लगते हैं। चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।